हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हो। तो तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है एक और न्यू स्टेटस वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही यूनिक तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। और दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख ही जाओगे आज की तो मतलब वीडियो हमारी किस टॉपिक को होने वाली है। आज की वीडियो हमारी जो है 15 अगस्त के ऊपर होने वाली है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून जो बहुत ही यूनिक तरीके से बन के रेडी हो चुका है। तो जो अभी वीडियो को लाइक नहीं किए थे प्लीज उन भाई से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भाई अभी चैनल पर फर्स्ट विजिट करें उन भाई लोग से रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार की वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लाते रहते हैं। दोस्तों अभी 15 अगस्त अभी वीडियो अभी हमारा जो और वीडियो है जो नहीं देखे हैं दोस्तों, उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आपको मेरे 15 अगस्त का हर वीडियो देख सकते हैं। और रक्षाबंधन हर चीज़ का मैं प्लेलिस्ट नीचे आपको दे दिया हूँ। और वीडियो का भी जाकर चैनल में भी प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल के चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है यार। गरीब दुखी आदमी कितना मस्त आया करो प्लीज। अरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो दोस्तों फटाफट से आज की प्री वीडियो देख लीजिए। पिक्चर चालू करो बे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अरे भाई यार मैं आपको 3-4 बार कह दिया वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है, नहीं तो मेरे को बोलना नहीं पड़ता आप लोग वीडियो को लाइक करते तो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज के प्री वीडियो देख लेते हैं, लेट्स गो। पिक्चर चालू करो बे। ओके, दोस्तों इस वीडियो को बनाना है तो सबसे पहले आपके पास रहना चाहिए अलाइट मोशन। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं तो कोई बात नहीं, आप मेरे टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको पिंड में से मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम का चैनल का नाम है विनय स्टेटस टेक, वहाँ पर सर्च करेंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से अलाइट मोशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी फोटोग्राफी या इसमें यूज हुए हैं 15 अगस्त का, सारा चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, बहुत ही आसान था। ठीक है, और मटेरियल जिसका सॉन्ग बीट मार्क सर्टिफाइड है दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंपोर्ट कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, और इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हाउ टू डाउनलोड बीट मार्क प्लस सर्टिफाइड है उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिएगा, उस वीडियो में आपको सब चीज़ बता दिया हूँ। ठीक है, तो कैसे इंपोर्ट करना है मेरे अलाइट मतलब जो मतलब सॉन्ग बीट मार्क और सर्टिफाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अलाइट मोशन को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी स्टेप में बताऊँगा। यहाँ प्रोजेक्ट टाइम क्लिक करना हो, यहाँ पर 15 अगस्त और 15 अगस्त सर्टिफाइड आपको ये दो चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बस इसमें दो ही इफेक्ट लगेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क देख सकते हैं कुछ प्रकार से। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट में फोटो लाएंगे, प्लस में क्लिक करना है, मीडियम जाना है और यहाँ पर 15 अगस्त का फोटो हम लोग को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 15 अगस्त का फोटो अपना लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर मेरा 15 अगस्त का फोटो, ये सारा 15 अगस्त का फोटो है मेरा। ठीक है, फोटो लेना है और तिरम क्लिक करके यहाँ पर जो फिल का एरिया दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और आगे वाला तिरम क्लिक बच्चों भाग को से कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कट में बैक करना है और यहाँ पर सेकंड में आ जाना है और सेकंड में जाने के बाद इसमें क्लिक करना है फर्स्ट वाला इफेक्ट को, इफेक्ट को यहाँ पर पहले कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद बैक करके आपको फिर से सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है। दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क पर जैसे ही आएंगे फर्स्ट लाइफ फोटो को यहाँ पर क्लिक करके इसको थ्री यहाँ पर इफेक्ट में जाना है और थ्री में क्लिक करके इसको पेस्ट पे कर देंगे। ठीक है, पेस्ट पे जस्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपको खुलेगा। और यहाँ पर दूसरा फोटो इस प्रकार से प्लस में क्लिक करना, मीडियम बनाना है और फिर से दूसरा 15 अगस्त का कोई फोटो ले लेना है और फोटो पर क्लिक करना है, थ्री में क्लिक करके इसको फिल एडिट क्लिक कर देना है और आगे वाला तीन में क्लिक करके बच्चों को भाग से कट कर देंगे। और दोस्तों इसी वाला इफेक्ट को हम लोग फिर से कॉपी करके और इसी में हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप देखिए क्या करना है, ये वाला आप काम देखिए दोस्तों कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट करना है। ये वाला काम आपको यहाँ इस बिट तक कर लेना है जहाँ पर आपको ज़्यादा यहाँ पर लेयर मिल रहा है, ज़्यादा बिट का जो गैप है यहाँ तक आपको 8.17 तक कर देना है। दोस्तों यहाँ तक आप कर लीजिएगा 8.17 और जो नेक्स्ट बिट आ रहा है 8.17 के बाद आपको बड़ा दिख रहे हैं, बड़ा बिट के बाद आपको ये खुल रहा है, आप देख सकते इतना गैप के बाद, तो ये वाला आपको बिट के छोड़ देना है ये दो बिट को। ठीक है, तो यहाँ पर छोड़ देना, फिर यहाँ से यहाँ पर 14.15 तक आ जाना है, प्लस क्लिक करना है, मीडियम जाना है और यहाँ पे फोटो लेना है और थ्री एम क्लिक करके फिर से इसको फिल कर एडेप क्लिक कर देना है और आगे वाला थ्री एम क्लिक बच्चों ऐसे भाग को कट कर देंगे। ठीक है, तो
कट करने के बाद आपसे बाइक करके आपको फिर से सेकंड इफेक्ट में चले जाना है। और यहाँ पर दूसरा इफेक्ट जो इस प्रकार से आ रहा है, इफेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इफेक्ट को कॉपी करने में आपको फिर से सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना दोस्तों। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे आ जाना ये वाला जो आपने फोटो लगाया था 14 पॉइंट, यहाँ पे 15 तक, इस बाद फोटो क्लिक करके इसको पेस्ट पैक कर देंगे। ठीक है, पेस्ट पैक करने के बाद दोस्तों आप देखिए प्लस क्लिक करना है, मीडियम जाना है, फिर से अदरवाइज दूसरा फोटो यहाँ पे 15 अगस्त कोई भी ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं ये फोटो लिया और 3M क्लिक करके इसको फिल कर एरेप क्लिक कर देंगे और आगे वाला 3M क्लिक बच्चों बाकी से कट कर देंगे। और दोस्तों ये वाला इफेक्ट को फिर से हम लोग कॉपी कर लेंगे इस प्रकार से। कॉपी करने के बाद इसको हम लोग आगे वाला में पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला आइकन को चालू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला चालू कर देंगे तो इस प्रकार से आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से ये वाला पहले फिर से पेस्ट कर दीजिएगा, फिर से ये वाला फिर से पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग लास्ट तक लगा दीजिएगा वन बाई वन करके। जो ये वाला था ना, जो मैं आपको चालू करने बताया था, मतलब एक फोटो में बंद रखेगा एक फोटो में चालू कर दीजिएगा, तब आपका पोर्टफोलियो तरह से बढ़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर हमारा जो काम है यहाँ पर बड़ा वाला जो बीट गिर रहा है यहाँ पर बड़ा गैप में, तो यहाँ पर 8.17 करना है, प्लस क्लिक करना है और मीडियम जाना है। और मैं आपको एक जो झंडा फ्राई का एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो को यहाँ पे लगाना है। तो देखते मैं यहाँ पे वीडियो लेता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से ये वीडियो लेना है दोस्तों। इस प्रकार से वीडियो लेने के बाद इसी प्रकार से आपको ये वाला बीट तक कट कर देना है। ठीक है, 14.15 तक कट करना है और ये वाला बीट के यहाँ पे ये वाला बीट के आने बाद इस पर क्लिक करके ये वाला आइकन से इसको कट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा डबल बीट में। और फिर से यहाँ पे इस वाला 12 पॉइंट ये दूसरे बीट पर आ जाना है, 12.13 तक प्रोसेसिंग क्लिक करना है, मीडियम बना। और मैं एक आपको हार्ट वाला वीडियो दूंगा, उस वीडियो को भी आपको लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं हार्ट वाला वीडियो ले लेता हूँ कहाँ पर मेरा है, तो यहाँ पर मेरा वीडियो इस गैलरी में यहाँ पर मैं लिया हूँ, तो यहाँ पे ये हार्ट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लेना है और इस प्रकार से इसको कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बचे हुए भाग को कट करने के बाद अब क्या करना है, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से नीचे कर देना है और यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और इसको पहले हम लोग को फुल स्क्रीन में कर लेना है और इसको भी पहले इसको भी फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाला ये वाला तो फुल स्क्रीन में है और ये भी फुल स्क्रीन में हो गया। प्लस ए इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में जाने के बाद एड इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों, यहाँ पर CHR, यहाँ पर जैसे ही CHR के लिखेंगे यहाँ पर क्रोमा की ऑप्शन आएगा, फर्स्ट में आ जाएंगे। इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको अब देखिए क्या करना है, ये वाला आइकन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। और ये वाला आइकन पेंसिल वाले पर क्लिक करके आपको ये वाला को काम आपको कहीं भी छोड़ देना है। ठीक है, ऊपर में छोड़ने के बाद आप देखिए क्या करना है, ये जो आपको ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको इस प्रकार से आपको मैं बताता हूँ जितना तक कर लें। ठीक है, तो आपको 2098 इसी प्रकार से स्लाइड करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ 2098। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपको इस प्रकार से 2098 कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर देख सकते हैं 98 कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो फादर्स दिख रहा है इसको हम लोग 612 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 612 करिएगा जिस जिससे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जिससे 612 कर देना है आपको, मैं कर रहा हूँ जिस जिससे आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 612 या 13 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो आपको ये वाला आइकन दिख रहा है, ये वाला जो आपको बंद है फर्स्ट वाला, इसको चालू कर देंगे। चालू करने के बाद आप देखिए क्या करना है, ये जो हमारा ये है पीछे बैकग्राउंड में हट चुका है, फिर से आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इस पर क्लिक करके इस प्रकार से इसको ऊपर करेंगे और इस प्रकार से ऊपर करके हम लोग इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको आप दिल वाला हार्ट वाला वीडियो पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखना है, सर्च करना है टी, जैसे ही सर्च करेंगे TI, यहाँ पर जैसे यहाँ पर TI जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड सेट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेट पर क्लिक करके जो आपको ये आई फर्स्ट वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग चालू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए उस प्रकार से हमारा ये सेलेक्ट हो चुका है, बहुत यूनिक तरीका से बन भी चुका है वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा यार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से हो चुका है हमारा वीडियो, एकदम बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर शेयर का क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना, आपका वीडियो एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सॉन्ग कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट का। ठीक है,